हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह वीडियो एक काल्पनिक खबर पर आधारित है। इसका मकसद केवल हास्य व्यंग्य, स्वस्थ मनोरंजन और राजनीतिक कटाक्ष करना है, किसी की मानहानि करना नहीं। टॉयलेट जाने के लिए योगी जी ने उठाए सख्त कदम, पूरे 15 मीटर खुद चल कर गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर ओर चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ की हर एक बात निराली है, तभी तो उनके नाम की चर्चा हर ओर होती रहती है। योगी आदित्यनाथ से संबंधित प्रश्न अब तो सिविल सर्विस के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हर एक मीडिया उनके पीछे हाथ पांव धोकर पड़ गया है। ऐसे में भला हम कैसे पीछे रह सकते थे। हम भी योगी जी के लाइफस्टाइल पर अपनी पैनी नजर रखने लगे। आज जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनकर आई है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने सुबह सुबह टॉयलेट जाने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सुबह जब अपने बिस्तर को छोड़ा, तब वो टॉयलेट की ओर बढ़े तो बहुत सख्त कदम उठाए हुए वो पूरे 1 या 2 मीटर नहीं बल्कि पूरे 15 मीटर खुद चल के गए। उनका ये कदम सख्त इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि देर रात वो न्यूज चैनलों से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कल क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज उनके लिए चलेगा, जिससे वो रात लेट तक जागे रहे और विशेष चर्चा में भाग लेते रहे, जिसके कारण उनको सुबह उठने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए जब वो सुबह उठे तो मन उनका भारी भारी लग रहा था, जिसके कारण वो नींद में ही टॉयलेट की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन नींद में होने के कारण उनके कदम बहुत मुश्किलों से उठ रहे थे, इसलिए इसे सख्त कदम कहा जा सकता है। इस व्यस्त दिनचर्या के कारण योगी जी के पास इस तरह की परेशानी आई, तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी दिनचर्या में बदलाव करें ताकि उनको टॉयलेट जाने के लिए कोई सख्त कदम ना उठाना पड़े। लोगों ने इस बात को देखने की भी दिलचस्पी बेकरार है कि योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव के बीच हो रहे शीत युद्ध में बाजी कौन मार ले जाता है। योगी आदित्यनाथ से जुड़ी सारी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम सारी जानकारी आप तक एक्सक्लूसिव पहुंचाते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।